हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4141 ईस्ट के 4141 वर्सेस हमारा 3055 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। तो दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है? दोनों ही काफ़ी पावरफुल है, लेकिन दोनों में से कौन सा सबसे बेटर है, तो आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वैसे मैं अभी ईस्ट के 4141 का डाटा शीट के अंदर हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एसटी के इसका ऑफिशियल इसका साइट से मैं डाटा शीट को डाउनलोड किया हूँ। तो इसका हम पहले स्पेसिफिकेशन जानेंगे, इसका आउटपुट कितना है, उसके बाद हमारा 3055 ऑडियो एम्पलीफायर का उसका वाट के हिसाब से उसका भी हम डिटेल्स जानेंगे। वैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और आईसी एम्पलीफायर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको कंपेयर करना, तो मैं फिर भी आप लोगों को अच्छे क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। तो पहला इसका आप देख लेते हैं, इसका आउटपुट कितना पावर है, जो कि लिखा गया है 2 चैनल का 25 वाट का आउटपुट दे देगा। तो एक पावर एम्पलीफायर है और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है 39 वोल्टेज तक आप इसको मैक्सिमम ऑपरेट कर सकते हो। उसके इसका रिकमेंडेड वोल्टेज है 26 वोल्ट और इसका रिकमेंडेड लोड रेजिस्टेंस 8 ओम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ओम्स को नहीं रिकमेंड किया गया है, आप यहाँ पे 8 ओम्स ही लगा सकते हो, 4 ओम्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट पावर की बात करें 25 वाट तो मिनिमम दिया गया है, और इसका अगर डिस्टॉर्शन की बात करें तो 0.1% से लेकर हमारा 0.3 शायद यहाँ पे तो मैक्सिमम लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ खास डिटेल्स नहीं दिया गया है, वैसे इसका इनपुट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल्स है और इसका एग्जांपल सर्किट, बस यहाँ पे 2 पेज का एक डाटा शीट है। तो यहाँ पे खास डिटेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको आउटपुट के बारे में मिल जाती है, जो कि है यहाँ पे 25 वाट। तो इसका अगर गेन वगैरह की बात करें तो गेन तो यहाँ पे आउटपुट तो यहाँ पे गेन तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, कोई इसका गेन वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे गेन तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आउटपुट पावर जो है 25 वाट का आउटपुट दे देता है। तो चलिए अभी हमारा 3055 ऑडियो एम्पलीफायर को इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 3055 ट्रांजिस्टर का डाटा शीट देखेंगे तो उसके अंदर आपको 115 वाट का आउटपुट मिल जाती है, लेकिन क्योंकि वो क्लास ए बी एम्पलीफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको लगभग 60 से लेकर 50% का एफिशिएंसी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अगर 50% भी पकड़ू, लगभग हमारा आउटपुट दे देगा 45 वाट का आउटपुट दे देगा। तो 45 वहाँ पे 4 है, लेकिन वहाँ पे एट ए टाइम 2 ही काम करता है, तो दोनों चैलेंज के लिए हमारा एट ए टाइम दोनों मिला के 110 वाट का आउटपुट दे देगा जब वो स्टूडियो में काम करेगा। और यहाँ पे 4141 की अगर बात करें तो इसका आउटपुट हमारा आएगा टोटल कुल मिला के 50 वाट। तो यहाँ पे आप 100 वाट और 50 वाट देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे क्योंकि ये प्लस माइनस वोल्टेज पर काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पे और एक बेनिफिट है, इसको आप ब्रिज मोड पर भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन हमारा 4141 को आप ब्रिज मोड पर नहीं ऑपरेट कर सकते। यहाँ पे आप 3055 में काफी पावरफुल आप साउंड पा सकते हो, इसका बेस क्वालिटी सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा आपका अगर सर्किट बेहतर हो। तो ओवरऑल मार्केट पर जो मिलता है जो एसटी के 4141 से तो काफी बेटर ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3055 काफी लगभग डबल यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे अगर डिस्टॉर्शन वगैरह की बात करें तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर आपका सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है, तो सब कुछ डिपेंड करके यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन वगैरह मिलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल की बात करें तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, हमारा लगभग ऐसी के बराबर ही डिस्टॉर्शन है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वैसे काफी अच्छा होता है अगर अच्छी तरीके से बना हुआ तो। तो यहाँ पे हमारा 3055 ऑडियो एम्पलीफायर ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एसटी के
41 41। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है आप नीचे कमेंट पर जरूर बता सकते हो। मैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन और यहाँ पे साउंड क्वालिटी के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है आप नीचे कमेंट पर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करके देना, अगर मेरा चैनल पसंद है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।